गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ ओरिफ्लेम की सिस्टर फंतरी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच एंड मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप सबके डिसीजन के ऊपर, क्योंकि ओरिफ्लेम को ज्वाइन करके आपने सबसे बेहतर डिसीजन लिया, ये आज आप जानेंगे। और आज हम आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। खास तौर से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, ये है ओरिफ्लेम का पहला स्टेप। जब आप ओरिफ्लेम में आते हैं तो आपका पहला कदम होता है, इस पहले कदम से आप सीखना शुरू करते हैं कि पैसा कैसा कमाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में आपको सपोर्ट करेंगी। सबसे पहले बीइंग अ कंसल्टेंट, आप ये जानेंगे कि एडवांटेज ऑफ कंसल्टेंट क्या होता है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पे, आप किस तरीके से पैसा पहले दिन से कमाना शुरू करते हैं। साथ में इसके बाद ही आप जानेंगे कि प्रोडक्ट जो कि आपके सामने आज एक बहुत ही खूबसूरत कैटलॉग है, इस कैटलॉग, ये कैटलॉग आपके एज अ कंसल्टेंट क्या वैल्यू करता है और इसका पोर्टफोलियो क्या क्या है, किस तरीके से ये आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करता है, आप ये भी जानेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी के सामने ये होता है कि अगर हमने कैटलॉग देख लिया, लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम लोगों को रिक्रूट कैसे करें, कैसे लोगों को ढूंढें जो कि हमारे इस कैटलॉग के प्रोडक्ट्स को ले सकें। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हमारे कुछ टूल्स हैं जिसे हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, उसकी मदद से आप नए कस्टमर को अपने इस बेहतर कैटलॉग के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में हम आपको बताएंगे जो कि हमने अभी बात की है टूल्स की, ये टूल्स आपके बिजनेस में, आपके करियर में किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं, इस बारे में आप जानेंगे। सो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि ओरिफ्लेम के कंसल्टेंट बनने से आपको क्या क्या बेनिफिट है। ओरिफ्लेम के कंसल्टेंट जब आप बन जाते हैं तो सारी चीज़ें आप ही के लिए बिल्कुल ओपन हो जाती हैं, यानी कि आपके पास मिलती है एक बेहतर अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो हम आपको देते हैं सक्सेस प्लान के थ्रू। साथ में एक सपना जो हम पहले दिन से आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं जब आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, उस ड्रीम को हम फुलफिल करने का आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मौका देते हैं। और यही नहीं बल्कि आप पहले दिन से ही ढेर सारे फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। आज आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं? और इस ट्रेनिंग के बाद में आप एक दूसरे को जानना शुरू कर देंगे। और यही है मैजिक ओरिफ्लेम का। ओरिफ्लेम यहाँ पे फ्रेंडशिप ही नहीं डेवलप करता बल्कि एक ट्रस्ट भी बिल्डअप करता है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है यूरोप की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पर आप सेलिंग के साथ साथ लोगों के साथ रिलेशनशिप भी बिल्डअप करना सीखते हैं। एज ए ओरिफ्लेम कंसल्टेंट बेनिफिट के रूप में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से? पैसा, प्रोडक्ट एंड ड्रीम्स। डेफिनेटली हम वही सब यहाँ पे करते हैं, वही सब हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। प्रॉफिट के रूप में अगर हम बात करें तो आप प्रॉफिट कमाते हैं, आप सेविंग करते हैं अप टू 25% की, और साथ में आपको मौका मिलता है जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं। अभी आप हाल ही में एंजॉय कर रहे होंगे हमारे ब्यूटीफुल वेलकम प्रोग्राम 1 का। वेलकम प्रोग्राम 1 में जैसे ही आप कदम रखते हैं वैसे ही आपको गिफ्ट मिलना शुरू हो जाता है। वही प्रोग्राम आपका कंटिन्यू 3 मंथ्स तक रहता है, जहां पर आप 3 महीने तक बेहतर गिफ्ट पाते हैं। साथ में आप एंजॉय करते हैं बीसी एंड सुपर बीसी को, जहां पर आपको प्रॉफिट मिलता है 40% तक का। एंड 40% के प्रॉफिट के साथ साथ आपको समझ में आने लग जाता है कि ओरिफ्लेम आपको पहले दिन से कैसा पैसा बनाने में मदद करता है। आप शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट की जो कि 21% तक जाता है, यानी कि ये 4 बेनिफिट, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलकर आपके लिए कॉन्फिडेंस का काम करते हैं और आप धीरे धीरे आगे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी कीमत है 2500 रुपये, वो 2500 रुपये की जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो आप उस पर बेनिफिट कमाते हैं 500 रुपीज़ का। यदि आप वही प्रोडक्ट अगर अपने 5 फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल बेनिफिट आप कमाते हैं 2500 का। और यही बेनिफिट आपको कॉन्फिडेंस देता है। पहले दिन शायद आपको पता भी नहीं चलता कि ये बेनिफिट आपके लिए कितना उपयोगी है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप ये 5 फ्रेंड्स को रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको ये बेनिफिट एक इनकम के रूप में प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे कुछ बेहतर प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम बेहतर प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते ही होंगे पर फिर भी एक बार आपके सामने मैं रिपीट करना चाहूँगी कि हमारी जो कंपनी है नेचर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। हमारे जो बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस एंड ट्रेंड्स के साथ में कंबाइन होकर मिलकर बने हैं। अब हम अगर बात करें नेचर की तो हमारे जो प्रोडक्ट है इंस्पायर्ड है एक बहुत ही बेहतर नेचर से। साथ में हम रिस्पेक्ट करते हैं नेचर का, जहाँ पर आप देखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर से रिलेटेड ही होती हैं। एंड साइंस की अगर हम बात करें तो 50 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमारी खुद की R&D फैकल्टीज़ हैं। और यही नहीं बल्कि हमारे पास लेटेस्ट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ, हमारे न्यू इंग्रेडिएंट के साथ हम हमारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे ब्यूटीफुल ट्रेंड्स के बारे में, मैं आपको ये बताना चाहूँगी हमारे पास एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अब हम बात करेंगे सबसे खूबसूरत चीज़ के बारे में जिसे हम स्किन बोलते हैं। स्किन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सच सच बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी स्किन की केयर करते हैं? I do. You do. You do. Everybody do. बिकॉज लेकिन कितने लोग हैं जो सही डायरेक्शन में स्किन की कद्र करना जानते हैं। ऑरिफ्लेम एक ऐसी कंपनी है जो बताती है कि किस तरीके से आपको स्किन की केयर करनी चाहिए। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, एक बहुत ही हिडन फैक्ट है कि आपके कंट्रोल में 80% चीज़ें होती हैं जिस पर आप अपने स्किन की केयर कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है आपकी स्किन की केयर के लिए। ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है, साथ में नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बने हुए, और यही नहीं, ये अपने स्वीडिश स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में, और साथ में ये प्रोडक्ट बहुत आसान है, पर्सनल रिकमेंडेशन के थ्रू बहुत आसानी से ये लोगों को रिकमेंड किए जाते हैं। आप जिसको भी हमारा कैटलॉग बताएंगे, आसानी से आप इन प्रोडक्ट्स को उनको रिकमेंड कर सकते हैं। समटाइम जब आप कैटलॉग देखते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे प्रोडक्ट को हम कैसे लोगों के सामने कैटेगराइज करें, और आपके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो हमने कुछ कैटेगराइज किए हैं, जहाँ पर हमने कैटेगरी बनाई है कुछ एडवांस परफॉर्मिंग प्रोडक्ट की, कुछ परफॉर्मिंग प्रोडक्ट के बारे में, और कुछ बेसिक प्रोडक्ट के बारे में। तो आप कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे एडवांस परफॉर्मिंग रेंज के बारे में। जो छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे हमारी बहुत ही खूबसूरत रेंज जो कि नोवेज इकोलाजन है। नोवेज इकोलाजन के बारे में अगर आप लोगों को बताएंगे तो आप लोगों को कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है जो कि 33% से रिंकल रिडक्शन करता है, साथ में 200% से ये कोलाजन को बूस्ट करता है। आपकी स्किन में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की होती है? जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ जाना शुरू होते हैं, वैसे वैसे आपकी स्किन से कोलाजन कम होना शुरू हो जाता है, और आज के टाइम में लोग कोलाजन का महत्व सबसे ज़्यादा समझते हैं। तो जैसे ही आप 200% से कोलाजन लोगों के सामने बोलते हैं, लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे खरीदे बिना नहीं रहते हैं। तो ये मैजिक होता है हमारे इस एडवांस परफॉर्मिंग रेंज का। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे एक ऐसी रेंज के बारे में जो कि वेल नॉन रेंज है, जिसे हम डायमंड सेल्यूलर बोलते हैं। डायमंड नाम से ही बहुत खूबसूरत है। यही नहीं बल्कि इस रेंज के द्वारा भी आप एक डायमंड इफेक्ट दे सकते हैं अपनी स्किन के अंदर, क्योंकि डायमंड एलिक्सर है इसके अंदर, जिसे हम डायमंड डस्ट भी बोल सकते हैं। डायमंड डस्ट से बना हुआ ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इस क्रीम के क्लेम्स जो है हम बहुत स्ट्रांगली देते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्शन 76% तक इफेक्टिव रहता है आपकी स्किन के अंदर। साथ में आप 67% तक रिंकल को रिडक्शन पाते हैं, रिंकल आपके रिड्यूस हो जाते हैं, और लिफ्टेड होती है स्किन 69% तक। तो ये जो क्लेम्स हैं वो कस्टमर के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, साथ में आपकी नॉलेज को भी प्रूवन करते हैं कि आपको पता है इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से आपकी स्किन में जाके इफेक्ट करेगा। तो मेरा एक सवाल है आपसे जी, जैसे कि आपने अभी स्किन केयर के बारे में बताया, आपने डायमंड और नोवेज के बारे में बताया जी। तो आप स्किन केयर की अगर बात करें ऑरिफ्लेम की, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरी उम्र 25 साल की है, तो इन दोनों में से मैं कौन सा प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज करूँ? गीता, वैसे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी है, और आप जैसे कि मैं देख रही हूँ, मुझे जितना समझ में आ रहा है आपकी स्किन को देख के, आपके छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं आपके फेस के ऊपर, और थोड़ी स्किन अनइवन है, तो आपकी जो कि आपकी ब्राइटनेस को कम कर रही है। तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत रेंज है जो कि ऑल एज ग्रुप में जाती है, ब्राइट सबलाइम। नोवेज का ब्राइट सबलाइम रेंज ये आपको मदद करेगा, सपोर्ट करेगा आपकी स्किन के स्पॉट्स को रिड्यूस करने में, साथ में ये आपकी स्किन को ब्राइटर लुक देगा। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों को इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में एक साथ फ्लॉलेस बताएंगे तो लोग उसको समझेंगे या नहीं, क्या हम उनकी नीड्स को अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं या नहीं। अगर हम उनकी नीड्स को अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं तो हमारे पास ऐसा क्या है? हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है जिसकी मदद से आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं राइट प्रोडक्ट राइट एज ग्रुप के साथ में। हमारे पास है एक बहुत ही खूबसूरत स्किन केयर गाइड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जहाँ पर आप हर एज के व्यक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, जहाँ पर वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, वो एक कॉन्फिडेंस आप उसके अंदर आता है कि आप उसको राइट डायरेक्शन में राइट प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। अब आप बताइए एक सवाल आप सभी लोगों के लिए, स्किन आपकी खूबसूरत होगी, अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खूबसूरत बना सकती है? मेकअप। यस, कलर्स, मेकअप, यही एक सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है जो आपकी स्किन को, आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा ब्राइट अप कर सकता है और ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है। किसी ने सही कहा है, स्किन अगर हेल्दी है तो मेकअप उसी की स्किन पे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। सो अब हम बात करेंगे हमारे ऑरिफ्लेम के खूबसूरत कलर्स के बारे में। ऑरिफ्लेम जिस तरह की एक कलरफुल कंपनी है, कलरफुल ड्रीम्स के साथ में, कलरफुल स्किन के साथ में, हम आपको देते हैं बहुत सारे कलर्स। हमारे कलर कॉस्मेटिक के रूप में। हम आपको बताना चाहते हैं हमारे पास एक वाइड पोर्टफोलियो है कलर कॉस्मेटिक का, जहाँ पे 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हर साल हम लोग लॉन्च करते हैं। साथ में हम आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट इतने ब्यूटीफुल होते हैं ये आप इनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के द्वारा ये बने हुए होते हैं। हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे पास एक नॉर्मल रेंज में ब्रांड्स है प्योर कलर का, जो जनरली लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसकी जो प्राइजेस है बहुत इकोनॉमिक है। साथ में हमारे पास ब्रांड है यंगस्टर के लिए वैरी मी, जिसमें जिसमें आपको देखने को मिलेंगे नए नए कलर्स, और साथ में आप जाएंगे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रेंज की तरफ, बहुत ही हाई रेंज की तरफ, जैसे हम द वन बोलते हैं, जहाँ पर फैशन एंड ट्रेंडी, अगर आप बहुत फैशनेबल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं और आपको लग रहा है कि आज मुझे रात को पार्टी में जाना है, कॉकटेल में जाना है, तो यू कैन यूज़ दिस रेंज। सो इसको लगाने के बाद यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी प्राउड। एंड उसके बाद में हमारे पास एक रेंज है जॉर्डनी गोल्ड, जो कि एक बहुत ही लग्जरी रेंज में काउंट की जाती है, जो कि हम सजेस्ट करते हैं खास तौर से कॉर्पोरेट वुमेंस को, वर्किंग वुमेंस को, जो अपने सोफिस्टिकेशन को बरकरार रखती हैं इस रेंज को यूज़ करके। आई एम श्योर कि आपको हमारे ये सारी रेंज बहुत अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि आप सभी लोगों को देख के लग रहा है हमें कि आप ये सभी रेंज को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। द वन हमारी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही फैंसी एंड बहुत ही फैशनेबल एंड ट्रेंडी रेंज है, जिसको आप लगा के अपने आप को और ज़्यादा ग्लैमर दिखा सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी प्योर कलर की रेंज के बारे में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एवरीडे नेल पेंट चेंज करते हैं? आप करते हो? I do every 2-3 days. Show your nails. ये कब लगाया? ये yesterday. Wow, it's very beautiful. यानी कि आपको शौक है नेल पेंट को चेंज करने का। जब आप नेल पेंट चेंज करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा महसूस होगा कि मेरे पास इतने सारे नेल पेंट्स हों जहाँ पर मैं कभी भी कोई भी नेल पेंट चेंज आसानी से कर सकूं। तो ये जो रेंज है आपको मदद करेगी आपके डेली चेंजेस में, यानी कि आप एवरीडे इकोनॉमिक रेंज के अंदर प्रोडक्ट ले सकते हैं, नेल पेंट्स खरीद सकते हैं, और जब चाहे दिन में से 3 बार भी आप अपनी नेल पेंट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। सो हमारे ये प्रोडक्ट ना सिर्फ फन लविंग होते हैं बल्कि मदद करते हैं आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में, यहाँ तक कि लोगों के सामने बहुत ही यूनिक बनाते हैं आपको। सो अब हम जानेंगे कुछ टिप्स मेकअप के बारे में। मेकअप एक चैलेंज नहीं है, मेकअप एक टेक्निक है। अगर आप चाहें तो उसे टेक्निक की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप एवरीडे में आप छोटे छोटे से टिप्स के द्वारा इस मेकअप को कर सकते हैं। आप एवरीडे तैयार होते हैं, आपको एवरीडे अगर बाहर जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है, तो सिर्फ हमारी 4 स्टेप्स होती है जिसके द्वारा आप खूबसूरत दिख सकते हैं। क्योंकि स्किन को तो आपने स्किन केयर से खूबसूरत बना लिया, लेकिन अब मेकअप से अगर आप अपने फेस को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेप में आपको कंसीलर लगाना चाहिए। कंसीलर जो कि हाइड करता है आपके छोटे छोटे से माइनर स्पॉट्स को, और उसके बाद में फाउंडेशन जो कि एक लेयरिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन के अंदर, आपकी स्किन को मदद करता है फ्लॉलेस बनाने में। उसके बाद पाउडर जो कि आपके लिए बेस का काम करता है, यानी कि जो आपने फाउंडेशन के बाद में जैसे ही आपने कॉम्पैक्ट लगाया वैसे आपका बेस तैयार हो गया, यानी कि आप रेडी हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए लिपस्टिक एंड लाइनर्स। उसके बाद में ब्लशर्स जो आपके बेसिकली काम आते हैं आपकी चीक बोन्स को हाईलाइट करने में, आपके कोई भी एरिया जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं आप उसमें ब्लशर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्लशर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसके फेस को कट करने के लिए भी। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मेकअप तो हमने कर लिया, बेस तो हमने बना लिया, लेकिन अब जब बात करते हैं हम लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक को भी अप्लाई करने की छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं। चाहे तो आप लिपस्टिक को ऐसे लगा लें, और चाहे तो आप लिपस्टिक को लिपस्टिक ना लगा के सिर्फ लिप ग्लॉस भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट तरीके से जब तैयार हो रहे हैं तो कंप्लीट लुक लिप्स पर भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिप्स जो होते हैं आपके फेस का सबसे ब्यूटीफुल अट्रैक्शन होते हैं, जो सबसे पहली नज़र में कॉम्प्लीमेंट का कारण बनते हैं। सो लिप लाइनर जब आप लगाते हैं, लिप लाइनर से आप अपने लिप्स की बाउंड्री को आप जो शेप दे सकते हैं, और साथ में आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। लिपस्टिक यूँ तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिप ब्रश के थ्रू लिपस्टिक को अप्लाई करेंगे तो एक आपको आइडिया रहेगा एग्जैक्टली आपने कितने लिपस्टिक को अप्लाई किया है, फालतू लिपस्टिक वेस्ट होने से आपकी बच जाएगी। लिप ग्लॉस आपको ज़रूरत पड़ती है ग्लॉसी लुक देने के लिए, एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो लास्ट में आप उसको लिप ग्लॉस के थ्रू आप उसको लगा सकते हैं, लिप्स को और ज़्यादा ग्लैमर लुक दे सकते हैं। तो ये बात करी हमने लिप्स के बारे में। अब बारी आती है आइज़ की। आइज़ पे सबसे खूबसूरत आइज़ जो होती है आपके फेस का अट्रैक्शन होती है, और आइज़ जो है सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है आपके चेहरे का, और आइज़ को सबसे खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं हमारे मस्कारा। हमारे ओरिफ्लेम में बहुत सारे मस्कारा हैं, लेकिन मुझे ये मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये 5-in-1 मस्कारा, जिसे हम वंडर लैश मस्कारा बोलते हैं। ये वंडर लैश मस्कारा आपके लैशेज़ को लेंथन करता है, कर्ल करता है, वॉल्यूमाइज करता है, और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सप्रेशन देता है। आप देखेंगे कई बार हम मस्कारा लगाते हैं और लैशेज़ एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, तो यही रीज़न है कि मस्कारा को लगाने के लिए हमें एक बेहतर मस्कारा मस्कारे का चूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया आपको कि 5 in 1 वंडर लैश मस्कारा जो हमारे यहाँ का बहुत मेरा जो फेवरेट मस्कारा है और आप लोगों का भी फेवरेट हो सकता है, तो आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने बताया आपको ढेर सारे बेनिफिट इसके बारे में एंड आई एम श्योर आप उसको डेफिनेटली यूज़ करेंगे, राइट? अब एक बात बताइए मुझे, हमने स्किन केयर जाना, हमने कलर कॉस्मेटिक के बारे में जाना, हमें पता है स्किन केयर कितना ज़रूरी है, साथ में हमें ये भी पता है कि कलर कॉस्मेटिक के थ्रू हम अपनी स्किन को किस तरीके से और ज़्यादा ब्राइट अप लुक दे सकते हैं, खूबसूरत लुक दे सकते हैं। अब मुझे सच सच बताइए, पर्सनल केयर आपके लिए ज़रूरी है या नहीं? Yes. और पर्सनल केयर के अंदर आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि हेयर केयर, ओके, बॉडी केयर, ऑफ कोर्स बॉडी में क्या किया? बॉडी मिल्क, ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजिंग। पर्सनल एंड हेयर केयर ये एक ऐसी रेंज है जो हमारी हमारी पर्सनालिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्किन केयर करते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, उसके बाद में हमें ज़रूरत होती है एक नहाने के बाद एक बॉडी मिल्क की। जैसे ही मैंने बात करी बॉडी क्रीम के बारे में, वैसे ही रोमा आपके फेस पर एक स्माइल आ गई। मुझे पक्का विश्वास है कि आप बिलीव करती हैं कि किस तरीके से आपको नहाने के बाद ज़रूरत पड़ती है बॉडी क्रीम की। बॉडी क्रीम आपके बॉडी के अंदर एक सॉफ्टन लुक देती है। हमारे पास है एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी क्रीम जो कि लोगों में बहुत फेमस है, लोग इसे बार बार लगाना पसंद करते हैं और मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये है मिल्क एंड हनी गोल्ड क्रीम। मिल्क एंड हनी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कितनी नेचुरल एंड कितनी प्योर क्रीम होगी। हनी इसके अंदर मिला हुआ है, नेचुरल इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, साथ में इसके अंदर मिला हुआ है मिल्क भी जो कि आपकी बॉडी को स्मूथ करता है और साथ में सिल्की बनाता है और आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये क्लाइमेट कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर कभी कभी हमें फील होता है ड्राइनेस, लेकिन हम जब भी इस क्रीम को लगाते हैं कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने जो लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट एंड सही लगाया है। अब एक बात बताइए, वॉट इज योर सिग्नेचर? फ्रेग्रेंस। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि फ्रेग्रेंस ही हमारा सिग्नेचर है। आपको कभी किसी ने इसके लिए कॉम्प्लीमेंट किया है कि आप क्या लगाते हो? यस, मैनी टाइम्स। सो मैं खुद इस बात पे बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत शौकीन हूँ इस फ्रेग्रेंस को यूज़ करने की। ऑरिफ्लेम में फ्रेग्रेंस का एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है, 60 से भी ज़्यादा फ्रेग्रेंस एवरी ईयर जो है लॉन्च की जाती हैं, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। और हमारी जो फ्रेग्रेंस है वो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट परफ्यूमर्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं जनरली। लेकिन आपने सुना होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्रेग्रेंस बनाती हैं उनकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग होती है, उनके पीछे हाथ होता है एक बहुत ही बेहतर परफ्यूमर्स का। वो परफ्यूमर्स जो है वो कि जो कि रिजल्ट देते हैं, कंप्लीट रिजल्ट देते हैं अपने कस्टमर को। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारी जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो भी यही परफ्यूमर बनाते हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतर इकोनॉमिक प्राइस के अंदर। यानी कि आप इतने बड़े परफ्यूमर की फ्रेग्रेंस अगर किसी और जगह से लेते हैं तो आपको कॉस्टिंग करती है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे उस परफ्यूम को खुद के लिए खरीदना तो थोड़ा सा मुश्किल होता ही है, बल्कि लोगों को रिकमेंड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इस फ्रेग्रेंस को कैसे रिकमेंड करें। लेकिन हमारी जो फ्रेग्रेंस है अगर वही परफ्यूमर मिलकर बनाते हैं तो आप सोचिए कितना आसान होता है खुद के लिए बार बार यूज़ करना। यानी कि आप एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रेग्रेंस को खरीद कर अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं, अपने सिग्नेचर्स को भी बार बार बदल सकते हैं। यानी कि लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, समटाइम उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं कि ये आप नहीं कोई और है। यानी कि लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे और ख़ास तौर से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कम प्राइस में लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, उस वैल्यू को क्रिएट करा सकते हैं खूबसूरत फ्रेग्रेंस के द्वारा। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगी कि अब हमारी जो आने वाली फ्रेग्रेंस है वो है असीज़ा। उसकी ख़ास चीज़ ये है कि उसकी जो बॉटल है वो बहुत ही खूबसूरत है, पूरी ग्लास बॉटल है, उसका टॉप जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। उसके टॉप में अगर आप देखोगे तो एक लीफ है जैसे गोल्डन लीफ स्टिक की हुई है। उसका खास वजह यह है उस बॉटल को खूबसूरत बनाने के लिए लोग जनरली क्या करते हैं, बॉटल्स को यूज़ करते हैं, बॉटल को फेंक देते हैं। लेकिन जब इस बॉटल को लोग देखेंगे तो इस बॉटल को कभी नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये बॉटल इतनी खूबसूरत होगी। बस फ़र्क इतना होगा कि इसमें से लीफ को आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये बॉटल के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत इन्हांस करेगा, आपकी फ्रेग्रेंस आपके सिग्नेचर को बहुत इन्हांस करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे ये फ्रेग्रेंस हमारे पास आएगी आप सभी लोगों के पास ये फ्रेग्रेंस जरूर होगी। अभी हमने जाना स्किन केयर के बारे में, फिर हमने जाना कलर कॉस्मेटिक के बारे में, फिर हमने जाना क्या बोलते हैं फ्रेग्रेंस के बारे में, पर्सनल केयर के बारे में भी हमने बात की। अब हमसे पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खूबसूरत रखने के साथ आपके माइंड को भी खूबसूरत रखती है, हेल्दी रखती है? वेलनेस, हेल्दी फूड, डाइट एक्सरसाइज, वॉक। कितने सारे लोग हैं जो घबराते हैं वॉक करने से, कितने सारे लोग हैं जो घबराते हैं डाइट करने से, और कहा जाता है डाइट बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं खूबसूरत दिखना, फिट दिखना, माइंड के साथ हेल्दी होना। हमारे पास एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है, या आपने सुना भी होगा, वेलनेस। वेलनेस जो है ये आपको सपोर्ट करता है आपकी ब्यूटी को मेंटेन रखने में, आपके माइंड को मेंटेन रखने में। वेलनेस जो है आपको एनर्जाइज करता है, साथ में आपके वेट को मेंटेन रखने में आपकी मदद करता है। आप चाहें तो आप उसे यूज़ करके हमारे वेलनेस के रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर पा सकते हैं। साथ में आपकी फैमिली के लिए भी ये वेलनेस है। आप में से सभी लोग, आई थिंक ये बहुत ही सही सवाल होगा कि आप में से सभी लोग ये चाहते होंगे कि आपकी फैमिली हेल्दी रहे। जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हमारे पास एक ही चीज़ होती है और एक ही विश होती है कि वो हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते और हेल्दी दिखें। और ये हम भी चाहते हैं कि हम भी हंसते मुस्कुराते और हेल्दी रहें। आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं वेलनेस यूज़ करके, आप अपने बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में आप ये वेलनेस के साथ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस भी ऑरिफ्लेम के अंदर कर सकते हैं। वेलनेस में हमारे पास 4 कॉर्नर स्टोन है जिसके ऊपर हम लोग खास ध्यान रखते हैं, जिसमें हमारे न्यूट्रिशन है वेलनेस के अंदर जो मिला हुआ है। इससे आपको न्यूट्रिशन, हाई न्यूट्रिशन मिलता है। साथ में एक बेस्ट सप्लीमेंट है, हाई क्लास हाई क्वालिटी सप्लीमेंट है ये। साथ में एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने वेट को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। उसके बाद ये वेलबींग है। वेलबींग में आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल के साथ मिलकर, आप एक्सरसाइज के थ्रू आप कम मिलकर ये इस रेंज को यूज़ कर सकते हैं। वेलनेस आपका इम्प्रूव करता है मेंटली एंड फिजिकली भी। अब हम बात करते जा रहे हैं वेलनेस की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वेलनेस जो रेंज है जिसके अंदर हम बात करेंगे ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 ये हाई क्वालिटी के फिश ऑयल के साथ बनी है और ये आपके ब्रेन को फंक्शनल करने में और आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है। आपकी स्किन को भी स्मूथ बनाती है, आपके हेयर्स को भी खूबसूरत रखने में मदद करती है, यहाँ तक कि आपके नेल्स के लिए भी काम करती है। कई बार आप फील करते होंगे आपके नेल्स कितने जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। खा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके नेल्स टूटना बंद हो गए हैं। मेरा तो बहुत फेवरेट है, मैं एवरीडे इसको खाती हूँ, इसके 2 कैप्सूल रोज लेती हूँ। आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप वेलनेस की नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वेलनेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हो, तो हमारे पास आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास वेलनेस अकेडमी है। जब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे हम आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे, और आप जब इस मीटिंग से बात जाएंगे ना तो आपको हम इन्विटेशन देंगे और उसमें लिखा होगा कि वेलनेस अकेडमी कब होने वाली है। अभी तक हमने जाना हमारी स्किन के बारे में, साथ में हमने पर्सनल केयर के बारे में बात की, उसके बाद में हमने फ्रेग्रेंस के बारे में बात की, फिर हमने वेलनेस के बारे में बात की। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा बिजनेस में हर किसी के सामने होता है, जैसे कि मैं आपको बार बार मैं बोलती जा रही हूँ कि कस्टमर को आप ये बताएंगे तो ऐसा होगा, कस्टमर को आप ये बताएंगे तो वैसा होगा। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि कस्टमर कहाँ से होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है सभी के लिए। कस्टमर फाइंड करना बहुत आसान है क्योंकि आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत टूल है, वो है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग जो है अपने आप में कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। साथ में हम आपको बताएंगे ब्यूटी के साथ साथ आप बिजनेस टिप्स भी जो है वो आपको मदद करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हमारा 25% तक का प्रॉफिट, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, वो लोगों को मौका देता है हमारे बिजनेस में आने का। साथ में हम आपको ये बताएंगे कि एवरी मंथ कैटलॉग चेंज होता है और एवरी मंथ के कैटलॉग में नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, नए नए ऑफर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये कंप्लीट शोकेस है जिसे आप दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, हम चाहेंगे कि उसको आप अभी यूज़ करें, जिसे हम नेम बैंक बोलते हैं। आप कितने सारे लोगों को जानते होंगे, शायद ना जाने कितने लोगों से आप रोज़ बात करते होंगे, लेकिन जब अगर हम आपको ये बोलेंगे कि आपको ऑरिफ्लेम में अपने लिए एक कस्टमर ढूंढना है, तो आप सोचने लग जाएंगे कि वो कस्टमर कौन सा होगा, और सबसे पहले आपके मुंह से ये नाम निकलेगा कि यार ये बिजनेस मैं नहीं कर सकती, इट्स नॉट ईजी फॉर मी। लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आपके मोबाइल की एक लंबी लिस्ट के अंदर वो कस्टमर छुपा हुआ है। आपको ये पता भी नहीं है कि आपके बाजू के घर में कोई जो रह रहा है वो एक कस्टमर है। आपको ये पता भी नहीं है जिस कॉलोनी के अंदर आप रहते हैं वो कस्टमर से भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में घूमता रहता है, तो उस सवाल का जवाब हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, आप ही के पास है, और हम चाहते हैं कि उसे आप ही ढूंढें। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम कि आप अपने कितने लोगों को जानते हैं, यानी कि अपने रिलेटिव्स आपके कितने हैं जिनको आप जानते हैं, आपके मोबाइल में ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप रोज़ बात करते हैं, और ऐसे आपकी कॉलोनी में कौन से लोग हैं जिनको देख आपको लगता है कि ये हमारा कस्टमर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम नाम लिखते हैं उन लोगों का, ताकि हम एक बार से वापस से मेमोरी जो है वो ताज़ा करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन लोग हैं जिनको हम ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे या जिनको हम कैटलॉग दिखाएंगे। और आप चाहें तो अपने इस नेम बैंक को एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। आप उन लोगों के नाम जिनसे आप रोज़ मिलते हैं उन लोगों के नाम इसमें लिख सकते हैं और आप टाइम पर उन्हें अप्रोच कर सकते हैं ऑरिफ्लेम के लिए। सो अभी हम बात कर रहे थे नेम बैंक के बारे में, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम बिजनेस के लिए कस्टमर्स को कैसे ढूंढें। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि नेम बैंक तो हमने कर लिया, लोगों को भी हमने ढूंढ लिया, लोगों को भी हमने अप्रोच कर लिया उसके थ्रू। अब ज़रूरत है लोगों से मिल कराने की। तो जब हम लोगों के पास मिलने के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए जो कि हमारे लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप करे और साथ में हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातों पर भरोसा हो। हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक बैग ऑरिफ्लेम का, जिसके अंदर हमें कुछ खास प्रोडक्ट रखने चाहिए। वो प्रोडक्ट हमारे खुद के फेवरेट होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम अपने फेवरेट प्रोडक्ट को लोगों को बताएंगे लोग तभी बिलीव करेंगे, और जब तक हम अपने फेवरेट प्रोडक्ट को लोगों को नहीं दिखाएंगे, टच और फील नहीं कराएंगे, हमें नहीं लगता कि वो लोग हमारी बात पे भरोसा करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने बैग के अंदर अपने फेवरेट प्रोडक्ट रखने हैं। साथ में हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से उनके साथ मिलने जा रहे हैं। हमें ये खास तौर से पता रखना है कि जब हम मिलने उनके पास जा रहे हैं तो हमारा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। हमें बहुत ही प्रोफेशनल दिखना है, हमें हमेशा स्माइल रखनी है अपने फेस के ऊपर। साथ में हमें ये देखना है कि हम जो एनवायरनमेंट उनके सामने क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हो। उन्हें लगना भी नहीं चाहिए कि आप उनके लिए एक स्ट्रेंजर हैं। हमें एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको देना है। तो अभी तक हमने सीखा क्या? सबसे पहले स्किन केयर के बारे में, फिर कॉस्मेटिक, फिर वेलनेस, और उसके बाद में हमने क्या देखा? नेम बैंक। आप लोगों को कैसे मिल सकते हैं, लोग आपको कैसे मिल सकते हैं। उसके बाद में हमने जाना कि हम लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे, हमें किस तरीके से तैयार होकर जाना है। अब हम जानेंगे खास चीज़ के बारे में जिसे हम कहते हैं सैलिक टेक्निक, सैलिक मेथड। हमें बहुत आसान है ऑरिफ्लेम में सेलिंग करना। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपने कैटलॉग दिखा के आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। साथ में आप अपने स्किन केयर रूटीन के बारे में लोगों से बात कर सकते हैं। कैटलॉग में स्किन केयर रूटीन, उनका एक रूटीन क्रिएट कर सकते हैं कैटलॉग दिखा के उनके लिए। साथ में आप वेलनेस के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं, वेलनेस उनको बता सकते हैं, आसानी से वेलनेस को सेल कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी मदद से आप लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे जो नए प्रोडक्ट हैं वो आप कैटलॉग में देखते हैं। साथ में आप ग्रेट ऑफर्स इसमें आपको नज़र आते हैं। आपको हर पेज पर कोई ना कोई एक स्टोरी नज़र आएगी हर प्रोडक्ट के साथ में। तो आप चाहें तो उस स्टोरी को पढ़कर उन लोगों को बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के पीछे क्या स्टोरी थी और ये प्रोडक्ट हम क्यों लेकर आए हैं। साथ में हम आपको बताएंगे ढेर सारे ब्यूटी टिप्स आपको उसमें से देखने को मिलते हैं। यानी कि आप कैटलॉग से एक कंप्लीट पोर्टफोलियो कस्टमर के लिए क्रिएट कर सकते हैं, और ये कैटलॉग आपकी मदद करता है ढेर सारी चीज़ों को क्लियर करने में। यहाँ तक कि ऑफ़र हैं या डिस्काउंट्स हैं या न्यू प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं हमारे इस कैटलॉग के अंदर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक कैटलॉग अगर आप किसी को दिखाते हैं या 3-4 लोग भी अगर इस कैटलॉग को देख लेते हैं तो आपके 2 कस्टमर बनते हैं। आपने 3 या 4 लोगों को ये कैटलॉग दिखाया और उसमें से 2 व्यक्ति ने भी ढंग से इस कैटलॉग को देख लिया तो आपके 2 कस्टमर बनेंगे ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो 10 लोगों को अगर आप ये कैटलॉग दिखाते हैं और उसमें से 30 से 40 लोगों ने भी अगर ये कैटलॉग देख लिया तो आपके 20 कस्टमर जरूर बनेंगे। और कैटलॉग ना सिर्फ आप ये दिखाते हैं बल्कि हमारे ऑनलाइन ई कैटलॉग्स भी होते हैं, उसकी मदद से भी लोग ऑरिफ्लेम के कस्टमर बनते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक, ऑरिफ्लेम में सेल करने की टेक्निक, ऑरिफ्लेम में बिजनेस करने की टेक्निक, जिसे हम डामा बोलते हैं। डामा जो आपको मदद करती है लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करने में। डामा जो है बेसिकली इसका डी डिफाइन करता है कस्टमर की नीड्स को। साथ में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो उसकी नीड्स है वो आपके कैटलॉग के प्रोडक्ट से मैच कर रही है या नहीं, कि इसकी जो नीड्स है प्रोडक्ट के लिए जो इसको चाहिए वो आप एक्सेप्ट करने के बाद, उसको मैच करने के बाद आप खुद उससे एक्सेप्ट करवाते हैं कि जो भी चीज़ आपने उसको मैच करके दी है है वो कितनी परफेक्ट है उसकी स्किन के लिए। यानी कि ये डामा के थ्रू आप चाहें तो आप अपनी सैलिक टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ में आप सीख सकते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन ये मदद करता है आपको इम्प्रूव करने में, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने में, साथ में सामने वाले व्यक्ति को बिलीव होता है कि जो भी आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं वो सही है। अब हम आपको बताएंगे कि एडिशनल सेल आप कैसे पा सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ में आप लोगों के ट्रस्ट को और कैसे जीत सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक लिपस्टिक ऑफर करती हूँ, आपको एक लिपस्टिक देती हूँ और साथ में आपको मैं एक लिप लाइनर भी रिकमेंड कर देती हूँ जो कि सेम कलर का है, तो आपको कैसा फील होगा? गुड। यू फील गुड? यस। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी लिंक सेलिंग कर रहे हैं उसके पहले सामने वाले कस्टमर को उस लिंक सेलिंग का मतलब पता होना चाहिए। आपको उसकी नीड्स को क्रिएट करना है। उसकी नीड्स है लिपस्टिक। लिपस्टिक के साथ अगर आप लिप लाइनर भी रिकमेंड कर देते हैं तो उसको ऐसा लगेगा सोने पे सुहागा हो गया। यानी कि लिप लाइनर के साथ उसको मदद मिलेगी उसके लिप्स को शेप करने में, साथ में जब वो लिपस्टिक लगाएगा तो लिप्स उसके और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। लेकिन आप फील कीजिए उस समय कि आप क्या पा रहे हैं उससे। आप उससे बिजनेस एक्स्ट्रा पा रहे हैं। एडिशनल सेलिंग कर कर भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने कस्टमर को सेल कर दिया, अब आफ्टर सेल हमारा बिहेवियर कस्टमर के प्रति कैसा होना चाहिए या हमारा एटीट्यूड कस्टमर के प्रति कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कस्टमर जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है। जब भी कोई सेल हम करते हैं हमें उसको थैंक यू बोलना नहीं बोलना है, लेकिन हमें थैंक यू ऐसे नहीं बोलना है कि उसको बहुत ऑर्डिनरी लगे। हमें उसको एक वैल्यू क्रिएट करके उस थैंक यू को बोलना है ताकि उसको अच्छा लगे कि उसके साथ आपके साथ जुड़कर उसने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है। साथ में जब आप उसके ऑर्डर को डिलीवर कर रहे हैं तो आप उससे पूछिए ज़रूर कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा लगा। उसके बाद में आप उससे रेफरेंस लेना मत भूलिए कि अभी तो हमने ये आपको दिया, क्या आप बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे इस ब्यूटीफुल कैटलॉग को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमें किस तरीके से सेलिंग करना चाहिए, हमने देखा कि डामा की मदद से हम किस तरीके से कस्टमर की नीड्स को डिफाइन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मैच करते हैं और फिर वापस से एक्सेप्ट करते हैं उनकी नीड्स को। उसके बारे में हम जाएंगे एक बेसिक स्किन केयर रूटीन में। बेसिक स्किन केयर रूटीन जो है लोगों हम अपने कस्टमर को बता सकते हैं, जिसमें हम उन्हें बता सकते हैं कि पहले स्टेप में आप क्लींस करते हैं स्किन को क्लिनजर के थ्रू या कहना चाहिए फेस वॉश के थ्रू। उसके बाद में हम आईज़ पे फोकस करते हैं क्योंकि आईज़ जो है हमारा बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। हम जनरली देखा जाए तो आईज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो जो आई क्रीम है वो मदद करती है हमारी अंडर आँखों के नीचे के एरिया को स्मूथ रखने में और रिंकल फ्री रखने में। साथ में जो सीरम है वो बूस्ट करता है हमारी स्किन में ग्लो लाने के लिए। और उसके बाद में हमें मॉइस्चराइज़र जो कि मिलता है डे क्रीम और नाइट क्रीम के रूप में। ये एक कंप्लीट रूटीन जो है हमें रिकमेंड करना चाहिए अपने कस्टमर को। और रिकमेंड करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट रूटीन जो है वो हमें खुद को यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। इस कंप्लीट रूटीन में हमें जो कॉन्फिडेंस देता है वो देते हैं हमारे ऑरिफ्लेम के स्किन केयर सेट। कस्टमर के लिए बेसिकली जो अट्रैक्शन है वो है आपके प्रोडक्ट, लेकिन उनका बेनिफिट क्या है? उनका बेनिफिट है रिजल्ट जो उनको प्रोडक्ट्स के मिलते हैं एंड वैल्यू जो प्रोडक्ट की होती है। उनको कम वैल्यू के अंदर अगर बेहतर रिजल्ट मिलते हैं तो वो बार बार अट्रैक्ट होते हैं हमारे इस कैटलॉग की तरफ। और एज ए कंसल्टेंट आपको क्या बेनिफिट मिलता है? डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट तो मिलते ही हैं जो कि आपकी खूबसूरती को एनहांस करते हैं, साथ में आपको मिलती है एक हायर अर्निंग अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा आपको मिलता है एक लॉयल कस्टमर जिनको आपने अभी हाल ही में प्रोडक्ट को रिकमेंड किया है। उसके अलावा आपको मिलता है एक बेहतर सेगमेंट कस्टमर्स का जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं डामा को यूज़ करके। 1-to-1 मीटिंग हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच के देखिए, आज आप लोगों के साथ में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से हम 1-to-1 अगर बात करते हैं तो हमारी बात शायद और ज़्यादा अच्छी हो सकती है क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है उस व्यक्ति को जानने का, समझने का। हमारे बिजनेस के अंदर 1-to-1 मीटिंग बहुत बहुत अच्छा रोल अदा करती है। हमें लोगों के साथ 1-to-1 मिलना चाहिए, साथ में हमें लोगों को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। और यही नहीं बल्कि हमें लोगों को ये भी बताना चाहिए कि अगर वो रिक्रूट होते हैं तो वो किस तरीके से उन्हें बेनिफिट मिलता है ऑरिफ्लेम के साथ जुड़कर। हमने आज जब स्किन केयर के अंदर बहुत कुछ सीखा, हमने जाना कि स्किन केयर सेलिंग हमारे लिए कितनी पावरफुल हो सकती है। हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं एंड विद द पोर्टफोलियो हम किस तरीके से हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से मौका दे सकते हैं हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट को यूज़ करने का। सो जब भी आप स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, याद रखिए कि आपके पास अपने खुद के फेवरेट प्रोडक्ट होने चाहिए। खासतौर से जब आप रूटीन की बात करते हैं तो वो कंप्लीट रूटीन आपके बैग में होना चाहिए, ताकि आप कस्टमर को टच और फील कराकर वो दिखा सकें और कस्टमर का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकें। खासतौर से आपके पास उस प्रोडक्ट के अंदर आपकी डे क्रीम और साथ में आपका फेस वॉश होना बेहद ज़रूरी है। स्किन केयर की ट्रेनिंग अगर आप चाहें तो आप अपने कस्टमर जिनको आप कंसल्टेंट बना रहे हैं, आप उनको साथ में लेकर आएँ ताकि आपको मदद मिलेगी। जो कस्टमर कंसल्टेंट बने हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाने में आप भी साथ साथ डेवलप होंगे, वो भी आपके साथ साथ में डेवलप होंगे। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे कस्टमर होंगे जो आपके आउट स्टेशन होंगे, जो शायद इस मीटिंग का हिस्सा ना बन पाए, तो आप ऑनलाइन जाकर उन्हें इस मीटिंग का हिस्सा बना सकते हैं। ऑनलाइन ई कैटलॉग आप डाल सकते हैं। आप सोशल मीडिया में, आप सभी लोग फेसबुक पर होंगे, तो फेसबुक के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप इंस्टा पर भी आएँ, आप ट्विटर पर भी आएँ। आप सबकी मदद के थ्रू आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने खुद के ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस होगा वही आपका कॉन्फिडेंस होगा, और उस कॉन्फिडेंस के थ्रू आप फेसबुक पर जब आप अपने खुद के ब्लॉग्स डालेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सेट्स के बारे में, आपके मेकअप के बारे में, तो आप छोटे छोटे से ब्लॉग्स जब डालेंगे तो लोगों के एप्रिसिएशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, लोगों की नीड्स आपको पता लगने लग जाएगी, यहाँ तक कि एक बेहतर क्लाइंटेज ग्रुप आपके पास तैयार हो जाएगा। सो ऑनलाइन सेलिंग के कुछ छोटे छोटे से जो टिप्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिए, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये टिप्स आप लेके जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये मदद आपकी तभी करेंगे जब आप इन्हें फॉलो करेंगे। आप जब जब इन्हें फॉलो करेंगे तब तब आपको ये डेफिनेटली रिजल्ट देंगे। फॉलोअप ही एक ऐसी की है हमारे इस ऑरिफ्लेम के अंदर जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। फर्स्ट वीक में अगर आप देखो तो आप कस्टमर के पास विजिट जरूर करें, आप उनसे पूछें कि किस तरीके से उन्हें प्रोडक्ट लगे, उनको जो प्रोडक्ट डिलीवर हुए वो प्रॉपर तरीके से हुए या नहीं हुए। यहाँ पर एक शो होता है कस्टमर की केयर का। उसके बाद में आप सेकंड वीक में आप जाएंगे तो आप विजिट करिए फिर दोबारा से, फिर आप देखिए एक मीटिंग का छोटा सा सेटअप कीजिए, उनको मीटिंग में बुलाइए। आप थर्ड वीक में अपने एक्सपीरियंस को उनसे शेयर कीजिए, विजिट कीजिए कैटलॉग लॉन्च इवेंट के अंदर उनके साथ, उनको भी वहाँ पर बुलाइए। साथ में आप उनके लिए एक मीटिंग क्रिएट करें जहाँ पर उनको मौका मिलेगा कंसल्टेंट से एक बड़े लीडर बनने का। अब हम आपको बताना चाहेंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप ड्यूरिंग दिस कैटलॉग लॉन्च। आप रिकमेंड कर सकते हैं ढेर सारे प्रोडक्ट, आप शो कर सकते हैं स्किन केयर और वेलनेस रूटीन के बारे में, साथ में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं स्किन केयर एंड वेलनेस एकेडमी अपॉर्चुनिटी के अंदर, और आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनके लिए मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स भी। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा स्किन केयर, उसके बाद में हमने देखा मेकअप, उसके बाद में हमने जाना पर्सनल केयर, उसके बारे में हेयर केयर एंड फ्रेगरेंस। अरे वाह, अब तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे से इसको सुन रहे हैं, इतने अच्छे से उसको ले रहे हैं, इसीलिए आपको थॉरोली पता है कि आपने क्या क्या जाना। इतना सब कुछ जानने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग लग रहा है। आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल। आप तैयार हैं ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए? आप तैयार हैं जो आपने सीखा है लोगों को बताने के लिए? जी। क्या आप तैयार हैं वो सारे रूटीन्स को खरीदने के लिए जो हमने आज बात की है? यस, ऑफ कोर्स। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि आप रेडी हो चुके हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मिंग लीडर बनने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।